Good morning, dear student. We are going to start our study. It's a chapter 2 for class 1. Today, our chapter is Asma's house. Okay, this is Star. This is Asma's house. It's your logo. And then after, write on the chapter number. Then after, write on the name, chapter name, like Asma's house. And the I explain the characters. First of all, Asma, she is a little girl. And Asma's brother, his name is Ali. And he is a little boy and a square in Asma's house. Color, what is the color of Asma's house? Its color is blue. Okay. This is start. This is your page number 8. This is Asma's house. It is blue. It has a garden and a small gate. इसमें बता रहा है आसमा के बारे में, आपको बता रहा है. ये आपका ओल्ड एडिशन में भी था, इट मीन्स कि 8 एडिशन में भी आपको पढ़ना था. और उसमें फर्स्ट चैप्टर था, मे बी ये उस समय फर्स्ट चैप्टर था, बट अभी ये सेकंड चैप्टर में है. ये आसमा का घर है, उसका कलर ब्लू है. और उसमें क्या है, उसमें एक गार्डन है, एक गेट है. दिस इज आसमा और यहाँ एक लड़की है, दिस वन इज आसमा. ओके, she is a 6 years old. वो 6 साल की है. And Asma is playing in the garden. और वो कहाँ खेल रही है, अपने garden में खेल रही है. There is a big gulmohar tree. और उसके garden में एक बहुत प्यारा सा gulmohar का tree है. आप तो जानते ही हैं कि gulmohar का tree कितना अच्छा होता है. और उसमें red color के बहुत सारे flowers होते हैं. उसकी अपनी एक beauty होती है जो कि काफ़ी attract करती है. ठीक है, तो वो बता रही है आसमा कि क्या है उसके गार्डन में, क्या है, एक गुलमोहर ट्री है. देन इन द गार्डन लुक एट द ब्यूटीफुल रेड फ्लावर्स. और उस वो किस चीज़ से भरा हुआ है, उसको कह रही है कि देखो ये क्या है, रेड कलर के फ्लावर्स से गुलमोहर ट्री पूरा फिड अप है, मीन्स कि भरा हुआ है. एंड आउल लिव्स इन अ होल इन द ट्री. और इसमें बता रही है कि एक होल है, उसमें बहुत सारे क्या है, आउल्स हैं जो कि उसमें रहते हैं. इट मीन्स कि वो उनका हाउस है, लाइक अ आसमाज हाउस. तो इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा अभी तक कि एक आसमा का हाउस है, उसका ब्लू कलर है, उसमें एक गार्डन है, एक गेट है, एक लड़की है आसमा. वो उसका कितने साल की है, वो 6 साल की है. और वो अपने गार्डन में खेल रही है, गुलमोहर का ट्री है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है. और फिर एक उसी में एक होल बना हुआ है, उसमें आउल रहता है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पेज था. नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे. हैव अ नाइस डे, बाय.